आज हम लोग काइनेमेटिक्स का अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस 2019 में पूछा गया था, है ना। इसमें कहा गया है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। कहने का मतलब यह है कि जब एक्सेलरेशन उसका जीरो हो जाएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पोजीशन दिया हुआ है तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक। फिर एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए कहा गया है तो एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे, वहां से टाइम आएगा, फिर उस टाइम की वैल्यू वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। यही हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पोजीशन दिया हुआ है वो क्या दिया है। वो दिया गया है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, ये दिया हुआ है। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आएगा ए टी का वन प्लस टू बी इंटू टी माइनस थ्री सी टी स्क्वायर, यह आएगा वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो ए जो कांस्टेंट है, आइसोलेटेड कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा जीरो, ये हो जाएगा टू बी टी का वन माइनस ये हो जाएगा सिक्स सी इंटू टी, ठीक। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो गया, तो मैं इसको जीरो कर दूंगा और यहां से टाइम का वैल्यू पता करूंगा। तो वैल्यू आ रहा है बी डिवाइडेड बाई थ्री सी, इस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो हुआ होगा। अगर मैं ये टाइम का वैल्यू इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि वेलोसिटी कितना आता है, ये आएगा ए प्लस टू बी इंटू टी, टी के जगह पर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा बी बाई थ्री सी माइनस थ्री सी इंटू टी स्क्वायर, टी के जगह फिर से मैं बी बाई थ्री सी सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये आएगा ए प्लस टू बी स्क्वायर बाई थ्री सी माइनस, इसमें से देखेंगे थ्री सी का स्क्वायर है और एक थ्री सी है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री सी, एक थ्री सी यहां से एक थ्री सी यहां से कैंसिल होगा, नीचे एक थ्री सी रह जाएगा, तो यह आएगा ए प्लस, इसका जस्ट डबल है ये, है ना। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रह जाएगा बी स्क्वायर बाई थ्री सी। ये वेलोसिटी तब आएगा, उस इंस्टेंट पर आएगा जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखेंगे आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्टली जो है मैच कर रहा है।